नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेंटल स्टैटिस्टिक्स के आपके अपने इस चैनल पर। और आज जैसा कि आपने टॉपिक देख ही लिया होगा, टाइटल भी देख लिया होगा, कि आज मैं शेयर करूंगा कि डीएसएसबी की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसीजर है एमसीडी के अंदर, यानी कि एमसीडी का बेसिकली जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसीजर है वो क्या है, कैसा है, किस तरीके से होता है, उसको मैं रिव्यू करूंगा कि किस तरीके से वहां पे चीजें हो रही हैं। हालांकि लगभग आप में से 90% कैंडिडेट्स ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया होगा, आगे बस 2 ही दिन और रह रहे हैं, तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह रहे हैं, और आगे आने वाले समय में जो लोग पहले मिस कर गए हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में डीओई के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो ऐसे केस में ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें वहां पर होती हैं और किस तरीके से सारी चीजें होती हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो शुरू से शुरू करते हैं। जिस तरीके से एमसीडी ने, पहले थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ, जिस तरीके से एमसीडी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद एक नोटिस निकाला। नोटिस के अंदर उन्होंने क्या किया, जितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे उनको उन्होंने अलग अलग क्लब कर दिया। मतलब जितनी उनकी कैपेसिटी थी, जैसे 200-200 कैंडिडेट्स उन्होंने रोज करके बुलाए और उन उतने कैंडिडेट्स का रोज उन्होंने वेरिफिकेशन किया। तो वेरिफिकेशन करने का जो प्रोसीजर एमसीडी ने अपनाया वो किस तरीके से किया, उन्होंने अपना एक स्कूल चूज कर लिया, और स्कूल चूज करने के बाद वहां पर उन्होंने अलग अलग वेरिफिकेशन टीम बना दी। जैसे मान लीजिए 200 मान लीजिए बच्चे हैं, तो हर एक के अंदर 30-30 कर दिया मान लीजिए, या फिर 210 है, 210 कैंडिडेट्स बुला लिए, तो 3-3 करके 7 उन्होंने कॉलम बना दिए, 7 यानी कि उन्होंने वेरिफिकेशन के काउंटर्स बना दिए अलग अलग रूम्स के अंदर, और हर एक क्लास में 30-30 बच्चों को भेज दिया। और किस तरीके से भेजा है, इसके लिए जब आप जाएंगे तो वहां पर लिस्ट लगा रखी है कि भाई इतने इतने बच्चे इस रूम में जाकर के अपना वेरिफिकेशन कराएंगे। तो यहाँ पे, और वहां पे जाने के बाद आपको एक फॉर्म और भरना पड़ेगा जहां पे आपकी सारी डिटेल्स और जानकारी होगी, और एक मेडिकल वेरिफिकेशन का फॉर्मेट आपको दिया जाएगा, उसको आपको भरना है। तो घर से तो आप बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करके जाएंगे, वहां पे जाके आपको ये 3 फॉर्मेट भरने पड़ेंगे। तो घर से आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है, और बहुत सारी चीजें आपको लिस्ट में देखने को मिली होंगी, मैं एक बार और उन सबको शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, फोटोग्राफ्स चाहिए। फोटोग्राफ्स वहां पे लिखा हुआ है 4+1, यानी कि 4 फोटोग्राफ और एक यानी कि 5 फोटोग्राफ चाहिए। लेकिन आपको 5 फोटोग्राफ नहीं, 10-12 फोटोग्राफ चाहिए होंगे, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा भी रख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जब आप वेरिफिकेशन जो अटेस्टेशन फॉर्म है, जब आप उसके अंदर फोटोज को चिपकाएंगे और फिर मेडिकल में फोटो को चिपकाएंगे, उसके अलावा भी वो आपसे फोटो मांगेंगे। तो फोटो आप असली में मतलब लगभग 15-20 फोटो अपने पास रखें, कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले क्या चाहिए, फोटो हो गया, ठीक है। फोटो होने के बाद दूसरा चाहिए आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपको 2। कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपको 2। जब आप सर्कुलर को देखेंगे तो सर्कुलर के अंदर ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो 2 सर्टिफिकेट चाहिए और दोनों अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर से चाहिए, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। तो आप क्या करेंगे, क्या एक ही सर्टिफिकेट बनाएंगे? लेकिन वहां पे जाकर के पता चला कि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो 2 चाहिए और दोनों अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा लें। तीसरा, अटेस्टेशन फॉर्म प्लस आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो 6 पन्नों की है, उसके अंदर आपको काफी सारी जानकारी भरनी है। उसमें 2 मोटे मोटे शब्दों में बातें लिखी हुई है कि आपको नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, और दूसरा सब कुछ ठीक ठीक देना है, और एंड में एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है जिसको कि फिर से किसी गेजेटेड ऑफिसर के साथ सिग्नेचर आपको कराना है। तो यहाँ पे जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो उसकी आपको 3 कॉपीज चाहिए। 3 कॉपीज चाहिए मतलब 3 बार आपको उसको भरना है, क्योंकि ये अब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अटेस्टेशन फॉर्म होता है। तो यहाँ इसकी आपको 3 कॉपी चाहिए, और तीनों कॉपीज के अंदर आपकी एक ही फोटो भी लगेगी और आपकी सारी जानकारी उसके अंदर भरी जाएगी। ओके, आप सारी जानकारी भरेंगे, और एंड में जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है वो पहले से ही आपको किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर कराना है। यहाँ पे आपको 3 अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर नहीं चाहिए, 3 सेम हो सकते हैं, कुल मिलाकर के आपको 2 ही गेजेटेड ऑफिसर चाहिए। किसी एक गेजेटेड ऑफिसर से आप 3 अटेस्टेशन फॉर्म और 1 कैरेक्टर सर्टिफिकेट करा लीजिए, और किसी दूसरे गेजेटेड से 2 कैरेक्टर करवा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसके अंदर आप जानकारी भरेंगे, काफी ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमसीडी ने एमसीडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर रही है, तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम वहां पे नहीं होगी। अटेस्टेशन फॉर्म हो गया। अटेस्टेशन फॉर्म होने के बाद अब आपको क्या चाहिए, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए।
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का मतलब अब आपने जो भी चीजें ई डोजियर के वक्त भरी थी तो आपको वो सभी चीजें ओरिजिनल वहां पे चाहिए ही चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि भाई मोबाइल पे है या फिर जेरोक्स है, आपको जब तक आप ओरिजिनल नहीं करेंगे दिखाएंगे तब तक वो आपके फाइल को ओके नहीं करेंगे, उसको पूरी वेरीफाई करके नहीं आगे भेजेंगे। वो अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को दिखाने में फेल हो जाते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, वो क्या करेंगे आपके फाइल के अंदर कमेंट लिख देंगे कि ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया या फिर ये डॉक्यूमेंट हमें नहीं दिखाया गया। तो सारी जानकारी आपको वहीं को वहीं बता दी जाएगी, सारा कमेंट लिख दिया जाएगा और फाइल को ओके नहीं पेंडिंग में लिख दिया जाएगा, पेंडिंग करके उसको रख दिया जाएगा। बाकी आपको एक दो दिन का टाइम भी दिया जा सकता है कि भाई आप इस समय आकर के जमा करा दीजिए, अदरवाइज उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। मतलब आपको पूरा टाइम मिलेगा अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट को वहां पे प्रोवाइड करने का। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वहां पे लेके जाएं, अदरवाइज आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आप आपको क्या चाहिए, एक जेरोक्स चाहिए ऑफ ऑल टेस्टिमोनियल्स। अब आपके पास जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे यानी कि आपके 10th 12th की मार्कशीट या फिर जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सीटेट से लेकर के सब कुछ आप उसकी एक जेरोक्स कॉपी बनाइए, बल्कि 3-4 सेट्स बना लीजिए और एक पूरे सेट को सेल्फ अटेस्ट करके वहां पे ले जाके आप जमा करा दीजिए, ठीक है। अब इन सब के अलावा अब दो चीजें हैं जो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, एक है रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट। मैंने वहां पे देखा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके पास जिन्होंने बाहर से कहीं से जेबीटी या फिर डीएलएड किया है और उनके पास रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट नहीं है। देखिए रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी इंसान कैसे मानेगा कि जहां से आपने डीएलएड किया है उसने वो, मतलब वो एक रिकॉग्नाइज संस्था है, ऐसे तो कोई भी करा सकती है। ऐसे तो आप एक सर्टिफिकेट कंप्यूटर पे प्रिंट करके भी लेके आ सकते हैं और बोल सकते हैं कि यहां से मैंने किया है। आखिर कौन वेरीफाई करेगा कि जहां से भी आपने किया है वो एक रिकॉग्नाइज संस्था है। तो इसके लिए एक संस्था है जो कि उसको रिकॉग्निशन देती है, वो है एनसीटीई। तो एनसीटीई के द्वारा जितने भी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज है केवल वहीं से करी गई डीएलएड या फिर ईटीई वैलिड एमसीडी के लिए, ठीक है। तो यहां पर वो क्या करेंगे, आपसे रिकॉग्निशन लेटर, जैसे मान लीजिए आपने दिल्ली डाइट से किया है या फिर बहुत पॉपुलर डाइट से किया है जिसको सब जानते हैं, तो ऐसे केस में वो आपसे रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से किया है जिसके बारे में कोई नहीं जानता या फिर बहुत कम लोग जानते हैं तो ऐसे केस में वो आपसे रिकॉग्निशन लेटर भी मांग सकते हैं, और रिकॉग्निशन लेटर प्रोवाइड कराना बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे केस में जो कि अननोन है। अगर आप नहीं प्रोवाइड कराते तो अगेन वो पेंडिंग में डाल देंगे और आपके सर्टिफिकेट के ऊपर क्वेश्चन लगा देंगे, ठीक है। तो रिकॉग्निशन लेटर आप जरूर लेके जाएं अगर आपने किसी प्राइवेट या फिर बाहर किसी इंस्टीट्यूट से किया है। एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ओबीसी सर्टिफिकेट के अंदर। अगर आपने ओबीसी से अप्लाई किया हुआ है तो मेक श्योर कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वहां पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि ओबीसी को बहुत ही ज्यादा बारीकी से चेक किया जा रहा है, जहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स 2017 का एनसीएल आपके पास है कि नहीं, जिसको जो एनसीएल आपने अपलोड किया था वो आपके पास है कि नहीं, और फिर उसके बाद रिलेशन 1993 से पहले का प्रूफ कि आप 1993 से पहले दिल्ली में थे, इसका प्रूफ भी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां पर उस प्रूफ के अंदर वो मांगते हैं रिलेशन मांगते हैं, जैसे कई बार आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स का प्रूफ रेजिडेंस शो कर देते हैं, फिर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आपको अपने पेरेंट्स का और अपने पेरेंट्स के साथ खुद का रिलेशन भी वहां पे प्रूफ करना पड़ता है। तो आप अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट और क्वेश्चन कर दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट, क्योंकि वो रिलेशन प्रूफ नहीं कर पा रहे थे। तो आप ये सारी चीजें लेके जाएं, और अगर आप ये अगर इनमें से कुछ भी चीज की कमी हो जाती है तो बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकती है। एक चीज थी एनओसी इफ एम्प्लॉयड। वहां पे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो अलग अलग संगठन में काम कर रहे थे, जिसे जिसमें मोस्ट पॉपुलर था कि कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में ही किसी दूसरे से एनडीएमसी में काम करते थे या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या फिर केंद्रीय विद्यालय में काम कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, या फिर किसी रेलवे से। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो अलग अलग गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे थे और उसके बाद वो दिल्ली एमसीडी में आना चाहते हैं। तो ऐसे केस में वहां पे एनओसी मांगी जाती है कि अगर आप किसी दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं तो वहां पे एनओसी दीजिए। तो आप अगर वहां पे हाइड कर देते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप वहां पे शो करते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे काम कर रहा हूं, तो ऐसे केस में वो आपसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगते हैं। अगर आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं फिर आपसे कहता हूं कि एमसीडी बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर रही है और इन सब चीजों को समझती है। तो क्या कर रही है कि वो आपसे इंटीमेशन मांग रही है, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट का रूल है कि आप दो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ काम नहीं कर सकते। तो यहां पर अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो आपने अपने जो एग्जिस्टिंग जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां पे
आप रेजिग्नेशन के लिए इंटीमेशन दे दीजिए और उस इंटीमेशन की कॉपी को आप वहां पे सबमिट कीजिए, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इंटीमेशन वहां पे देंगे, उसके बाद वो आपके फाइल को आगे फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने रिजाइन कर दिया है और रेजिग्नेशन सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड, आप उसको शो करके अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा सकते हैं। एमसीडी के अंदर अगर आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है तो बेटर है कि आप उसको शो करें। अगर आपके पास एनओसी नहीं भी है तो भी वो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वो कमेंट लिख दे रहे हैं कि एनओसी नॉट प्रोवाइडेड, और वो कह भी रहे हैं कि जब आप एमसीडी को ज्वाइन करेंगे उस टाइम आपको क्या करना है, उस टाइम आपको जो भी आप जहां पे भी आप काम करते हैं वहां का रेजिग्नेशन लेटर आपको शो करना है इस प्रूफ में कि यस आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया है। तो इस तरीके से एमसीडी बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर रही है। और काम क्या हो रहा है, मतलब ये तो थे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, अब क्या क्या चीजें कैसे कैसे चीजें वहां पे हो रही हैं। सबसे पहले कैंडिडेट्स जाते हैं, जो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड है, ठीक है। और अब इसके लिए आपने देखा होगा डीएसएसबी ने कॉल लेटर्स भी दिए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वो तो पहुंचे नहीं लोगों के घर में। तो अगर आपके पास वो नहीं पहुंचा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास आपका ओरिजिनल डीएसएसबी भी एमसीडी का एडमिट कार्ड होगा, उस एडमिट कार्ड के साथ आप एंट्री लीजिए, एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है फिर दिक्कत होगी अगेन, ठीक है। तो आप ओरिजिनल एडमिट कार्ड के साथ अंदर एंट्री लीजिए, और एंट्री लेने के बाद आपको एक कॉमन हॉल में बिठाया जाएगा जहां पे आपको सारी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। सारी जानकारी देने के बाद मेडिकल की भी बात होगी कि मेडिकल कैसे होना है, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद आपको फॉर्म्स दे दिए जाएंगे कि भाई जो इम्पोर्टेंट जो वहां का इंट्रोडक्टरी फॉर्म है वो फॉर्म और प्लस दो मेडिकल के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे जिसको कि आपको भरना है एप्लीकेशन लेटर, तो आप उसको भर लीजिए। बाकी ये सारी चीजें आपने पहले से रेडी कर रखी हैं, उसको तुरंत भर लीजिए। आप देखिए कि आपका रोल नंबर किस रूम में है, आप उस रूम में पहुंचते हैं, रूम में आपको ऑलरेडी सारे वेरीफाइड जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे वो ऑलरेडी वहां पे बैठे होंगे, आपके नाम की फाइल बनी होगी वहां पे, सीक्वेंस में आपका नंबर होगा, 30 बच्चे हैं तो आपका कोई भी नंबर हो सकता है, आपका जो भी नंबर है उसके बाद जाके बैठ जाइए, एक एक करके आपको बुलाया जाएगा और बहुत ही इत्मीनान के साथ, जी हाँ दोस्तों बहुत ही इत्मीनान के साथ वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर रहे हैं, एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से चेक कर रहे हैं। आपकी सेपरेट फाइल के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स को वो रखते हैं, हर एक चीज को वेरीफाई करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को ओके करके या पेंडिंग करके या कमेंट करके रख देते हैं, और उसके बाद आपको एक मेडिकल का जो दो आपको सर्टिफिकेट मिलता है तो दोनों सर्टिफिकेट पे वो साइन करके आपको दे देते हैं। अब आपको क्या करना है, उन दोनों सर्टिफिकेट को ले जाके फिर से वहां पे एक और अथॉरिटी बैठी है, उस अथॉरिटी के पास जाना है। वो अथॉरिटी क्या करेगी, आपके डॉक्यूमेंट जो है मेडिकल का डॉक्यूमेंट है आपको मेडिकल की डेट देगी। यहां पर आपको तीन हॉस्पिटल का आपको ऑप्शन दिया जाता है, जहां पर आपको कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल, हिंदूराव हॉस्पिटल और दयानंद हॉस्पिटल, इन तीन हॉस्पिटल्स में डीएसएसबी एमसीडी के मेडिकल हो रहे हैं। तो जिस भी हॉस्पिटल में आपको मेडिकल कराना है उसका नाम आप वहां पे लिख दीजिए, और फिर वहां पे जो भी अथॉरिटी है उसको आप दीजिए, वो क्या करेंगे उसको अटेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद आपको एक डेट दी जाएगी, उसी के ऊपर लिख देंगे, जैसे आपकी डेट मान लीजिए 29 जुलाई है या 30 जुलाई है, जो भी डेट होगी, जो भी अवेलेबल डेट होगी आपको मिल जाएगी। आपको उस डेट पे हॉस्पिटल पे जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं। यहाँ पे भी मतलब आपको अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है। यहाँ पे भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे ऑलरेडी सारी डेट्स फुल चल रही हैं और उतने सारे कैंडिडेट्स का एक साथ मेडिकल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आपको मान लीजिए डेट दी गई है 30 जुलाई, तो आप 30 जुलाई को जाएंगे तो आपका मेडिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आप 30 जुलाई को वहां पे जाएंगे तो वो आपको अलग से मेडिकल डेट देंगे और बोलेंगे कि हम आपको कॉल करेंगे 3-4 दिन के बाद। तो वहां पे आप अपने जो दूसरा सर्टिफिकेट है, यानी कि आपको मेडिकल के वहां पे एमसीडी ने दो सर्टिफिकेट दिए थे, अब एक सर्टिफिकेट वो अपने पास रख लेती है, एक सर्टिफिकेट वो आपको दे देती है। अब उस एक सर्टिफिकेट को आपको वहां पे लेकर के जाना है और वहां पर आपको दे देना है, हॉस्पिटल के अंदर आपको दे देना है निर्धारित डेट पे। जब आप उसको देंगे तो वो आपको एक रिसीविंग दे देगा और कहेगा कि जब भी फ्री होंगे हम आपको कॉल करेंगे। तो फिर उसके बाद आपको एक कॉल मिलेगी, कॉल आएगी, कॉल के बाद आपको नियत डेट पे आपको हॉस्पिटल पे रिपोर्ट करना है और वहां पे जाके अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है। मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के बाद आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी भेजना है डीएसएसबी को, वो सारा काम हॉस्पिटल करेगी, आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और इस तरीके से चीजें आप अपने आराम से करके आ सकते हैं और फाइनली आप फाइनल जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये है पूरा प्रोसीजर, इस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं एमसीडी के अंदर। और जो मेरा रिव्यू है मैं इसको दूंगा 5 में से 4 स्टार दूंगा। जो प्रोसीजर चल रहा है काफी अच्छा प्रोसीजर चल रहा है, ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल एक्सीलेंट चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं कुछ लूप होल्स थे, लेकिन फिर भी बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी और काफी कॉपरेशन के साथ काम चल रहा है, किसी तरह की कोई
प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्री प्रिपेयर करके जाएं, फोटोग्राफ्स अच्छे से रखें, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिस हो जाता है तो वहां पर आपको प्रॉब्लम जरूर होगी। आप कोशिश कीजिए कि आपकी रिपोर्ट ओके हो और आपकी फाइल डायरेक्ट आगे फॉरवर्ड हो जाए। तो ये था एमसीडी के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसीजर। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है तो आप अपनी प्रॉब्लम को भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और अगर आप आगे आने वाले डीओई के अंदर वेरिफिकेशन को क्या वेट कर रहे हैं तो इस वीडियो से आप आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि ठीक इसी तरीके से वहां पे भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और डीएसएसबी की आगे आने वाली अपडेट्स और रेगुलर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय